Article 15. Article 15 is something which gives fundamental rights to every citizen of India. मतलब अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपकी जाति, आपके कलर या किसी भी कारणवश आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता. कोई भी पब्लिक चीज को आप यूज कर सकते हो, जितना बाकी के लोग यूज कर सकते हो उतना ही आप भी यूज कर सकते हो. Welcome to my YouTube channel. My name is Ishan Sethi. If you're watching me for the very first time, I would love it if you hit the subscribe button right now. 100% of the money to get your budget so we can get connected. You don't miss any video from my side. पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के अखियां जो अंजूर उड़ गए माहिया ना आया मेरा माहिया ना आया रांझड़ा ना आया मेरा माहिया ना आया माहिया ना आया मेरा रांझड़ा ना आया माहिया ना आया मेरा रांझड़ा ना आया खादा नूर वेख के अखा दा नूर वेख के अखियां जो अंजूर उड़ गए. This was my one of the favorite song. और ये आयुष्मान खुराना इसमें था. आयुष्मान खुराना ने गाना गाया था पानी दा रंग. और आयुष्मान खुराना की मूवी आर्टिकल 15 का हम ट्रेलर रिएक्शन कर रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा ज्यादा हो गया वो, थोड़ा सा मैंने सोचा था गा दूंगा. आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा. तो आर्टिकल 15 एक ऐसी चीज है जिसमें मूवी बन रही है. आर्टिकल 15 के तहत फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया को. आपकी जाति, आपके कलर से, किसी भी चीज से आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता. हिंदुस्तान में जितनी चीजें हैं, जितने रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो भी है वो आप भी यूज कर सकते हो. आप भी सब यूज कर सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं है. और आयुष्मान खुराना की ये पहली मूवी है जो थोड़े इस टॉपिक के ऊपर है. मतलब बाकी जो टॉपिक्स रहे हैं जिनके ऊपर उन्होंने मूवी करी है वो थोड़े कमर्शियल होते हैं, थोड़े हसमुख वाले होते हैं. ये एक सीरियस काइंड ऑफ मूवी शायद मुझे लगता है कि हो सकती है. और इस मूवी से शायद हमें कोई मैसेज मिले और फिर वो शायद हमें अच्छा लगे बुरा लगे वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा. लेकिन मूवी तो हम बहुत बाद में देख पाएंगे, अभी हम ट्रेलर देख सकते हैं और ट्रेलर देख के देख सकते हैं कि ये कैसी मूवी हो सकती है. सो लेट्स वॉच द ट्रेलर ऑफ आर्टिकल 15 स्टारिंग आयुष्मान खुराना. Let's go. मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं. हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पाते. बफरिंग? आपकी औकात आपको ये ट्रेलर देखने की अनुमति नहीं देती. इस भेदभाव से बुरा लगा ना? हाँ. भारत के करोड़ों नीची जाति के लोगों को ऐसा एहसास हर दिन होता है. ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो मूवी आई थी जिसमें विकी कौशल था, उसमें भी ऐसी कुछ किया था. जब उसके लोग डाउनलोड कर रहे थे मूवी को तो वो कुछ जीबी की डाउनलोड करते थे, लेकिन जब वो बीच में एकदम से रुकती थी और उसके बाद वो उठ के बोलते थे कि ये गलत काम है, ये पायरेसी वगैरह, और आप ये मूवी ऐसे नहीं देख सकते हैं. तो उसी से रिलेटेड शायद ये कुछ किया है. और अगर आपने वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो मैंने बताया वो नहीं देखा है, नहीं पता उसके बारे में, तो इग्नोर मारो, ये देखते हैं. आपको तो बस आज उसका ट्रेलर दिखा है. जब आज तक हमें इससे फर्क नहीं पड़ा तो फिर आज क्यों? इस भेदभाव, इस फर्क के अंत की एक शुरुआत है. कुछ घंटों में आर्टिकल 15 का असली ट्रेलर आ रहा है, देखते हैं उसकी अनुमति मिलती है या नहीं. कितना अजीब सा लगा ना जब ये भेदभाव मेरे साथ हुआ, या आप लोगों के साथ भी होगा जब आपने ये ट्रेलर देखा होगा. कोई चीज जिसका आप यूज नहीं कर सकते, कोई चीज जो आप नहीं देख सकते, तो भेदभाव से कितना फर्क पड़ता है. मुझे नहीं पता किस किस तरह का कैसा कैसा भेदभाव होता है. पहले होता था वो मुझे पता है, अब मुझे नहीं पता कैसा कैसा होता है. वो शायद हमें मूवी में देखने को पता चलेगा और आप भी मुझे बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में कि किस किस तरह का भेदभाव होता है. मैं तो भेदभाव में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, ना रंग से, रूप से, किसी भी चीज से. मैं जैसा इससे बिहेव करूंगा वैसा ही इससे बिहेव करूंगा. तो मेरा बिहेवियर तो नॉर्मल है सबके प्रति, सबके साथ मैं अच्छा हूँ. बाकी आप लोग बताना आप लोगों की क्या राय है भेदभाव के बारे में. ये ट्रेलर आया था सुबह और 4 बजे अब ये जो ओरिजिनल ट्रेलर है वो आ गया है. तो अब हम ओरिजिनल ट्रेलर देखते हैं कि ओरिजिनल ट्रेलर कैसा है और क्या मूवी होगी, कैसी मूवी होगी, वो ट्रेलर देख के बाद चलेगा. सो विदाउट टेकिंग मच टाइम लेट्स वॉच द ट्रेलर आर्टिकल 15. मैं और तुम इन्हें दिखाई ही नहीं देते. स्टार्टिंग हुई है. हम कभी हरिजन हो जाते हैं, कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन नहीं बन पा रहे. तो जन बन मतलब... में हमारी भी गिनती हो जाए. इंसाफ की भीख मत मांगो, बहुत मांग चुके. इंसाफ लो, ऐसे नहीं. कजन थी दोनों लड़के, दोनों में संबंध था, दोनों के बाप मिलकर लटका दिया. ये ऑफिसर ना तीसरी बच्ची का है. हाँ सर, उसका कुछ पता नहीं चल रहा.
भी दलित है क्या? This guy will make hero नहीं चाहिए आया, बस ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करे। सर केस इतना सीरियस लग नहीं रहा था सर। कब लगता सीरियस? इन लोगों के तो झूठे केसेस आते रहते हैं सर। ऑनर किलिंग है, हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हमें पे केस बना रहे हैं साहब। अंशुल आर्य, आप थप्पड़ मारा था पूजा को, बिहारी में 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी वो लोग। कितने रुपए? 3 रुपए। अंशुल आर्य बोले औकात में नहीं रखे हैं सर, काम ही नहीं कर सकते। और औकात क्या है? जो हम देते हैं वही औकात है सर। ये तो हमें नहीं मिलेगी सर, 3 दिन हो गए। क्या लगता है आपको मिलेगी भी या नहीं? किसने किया है? मांझी के आश्रम के लड़के हैं सर। कौन है मांझी? मांझी है तू जी जात के? ब्राह्मण है सर। जाटव जी आप दलित हैं? जी सर। मतलब लड़कों की और आपकी सेम जाति? नहीं नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। मैं क्या? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मान जी से? अरे नहीं नहीं सर, वो कानने कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सर नहीं पाए। What the fuck is going on here? गैंग रेप था सर। जो उस किताब की नहीं चलने देता जिसकी ये शपथ लेती। यही तो लड़ाई है निशाद, उस किताब की चलानी पड़ेगी, उसी से चलेगा देश। अरे 3 लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही थी। 3 रुपए जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया सर। उनको मार के पेट पे टांग दिया गया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। मतलब आप किस घर में पैदा हो रहे हो, किस घर में नहीं पैदा हो रहे हो, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कितना गलत है। एक इंसान की एक रिस्पेक्ट कर, अगर आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हो, आप ये देखे करते हो कि किस जाति का वो है, ब्राह्मण है, जाट है, पंजाबी है, क्या है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता हूँ। कई लोग हैं जो करते हैं और जो ऐसी सोच रखते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको बचपन से ही ये सिखाया जा रहा है। अगर उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाएगी, उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाएगी कि इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे इस मूवी में दिखा रहे हैं कि जैसे कोई चमार है शायद, या फिर कोई नीची जाति का, मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो उनको 3 रुपए के चक्कर में पेड़ पर लटका दिया जिससे पूरी जाति को उसकी औकात दिखा सके मूवी में, इस ट्रेलर में। मतलब कितना गलत है, अगर वो पैदा हो रहे हैं किसी घर में पैदा हो रहे हैं, उनको पैदा होने के बाद ये एहसास किया जा रहा है कि भाई तू गलत घर में पैदा हो गया है, और जो चीज हमारे हाथ में भी नहीं है, पैदा होने हमारे हाथ में नहीं है, हम कहां पैदा हो रहे हैं कहां नहीं पैदा हो रहे हैं। उनको जब ये एहसास हुआ हम गलत जगह पैदा हो गए, उनको कितना बुरा लगता होगा और क्या वो फील करते होंगे। मैं तो यार देखो जनरल हूं, ठीक है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ होगा, जिन लोगों के साथ होता है, उन्हें कैसा फील होता होगा इसका अंदाजा मुझे पहले भी था, और ये ट्रेलर देख के तो और ज्यादा हो गया। जैसे ट्रेलर देखते हुए बीच में बोल रहा था मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मुझे अंदर से हो रहा था, मैंने कहा कितना गलत है यार, और ये चीज बदल नीचे। इस मूवी को देखने के बाद मुझे लगता है कई लोग जो ऐसा सोचते हैं, भेदभाव रखते हैं, वो नहीं रखेंगे और उनकी सोच अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, या जो भी होगा कुछ ना कुछ असर तो जरूर पड़ेगा। कई चीजें हैं जो मूवी में शायद गलत दिखाई जाती है, लेकिन मूवी में कई बार कुछ अच्छी चीजें भी दिखाई जाती है। मूवी अगर किसी अच्छे कॉज के ऊपर बनी हो तो उससे लोगों की सोच भी बदल जाती होगी शायद, क्योंकि मैं जब कभी मूवी भी देखता हूँ उसमें कुछ अच्छी चीज देखता हूँ तो मुझे कुछ नया पता चलता है, और मैं फिर उसको अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उस अच्छी चीज को शेयर करता हूँ। दिस वॉज अ वेरी 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 गुड ट्रेलर, आयुष्मान खुराना ने मूवी चूज करी, ये मूवी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अच्छी होने वाली है। एक सस्पेंस होगा मूवी में जिसमें आयुष्मान खुराना इस चीज़ का पता लगाएगा, कुछ क्राइम हो रहे हैं उन चीज़ का पता लगाएगा, उन लोगों तक पहुंचेगा, उन लोगों को सज़ा मिलेगी, तो मुझे लगता है मूवी शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत बढ़िया होने वाली है। और जब मूवी ख़त्म होगी ना तो हम लोगों को ना अपने पे गुस्सा आएगा, जब भी हमने किसी पे भेदभाव किया होगा, और अपने ऊपर थोड़ा रिस्पेक्ट भी आएगी, क्योंकि हमारे हाथ में है ये सब चीज़ ख़त्म करना भी। जैसे ट्रेलर में ही बोला गया ना, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, हीरो की कमी महसूस ना हो उस चीज़ की ज़रूरत है। समझ रहे हो, हम लोग हैं जो इस समाज को जहाँ हम रहते हैं उसको अपनी तरीके से बना सकते हैं। मुझे जो लगता है, मुझे लगता है कि ये जाति वाति ये सब जो बंटवारा हुआ है ना लोगों में, वो हम लोगों ने बनाया है, वो ऊपर से भगवान ने बना के, शायद मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने बना के दिया था, हम लोगों ने बनाया, और हमारे ऊपर है कि हम इसको कैसे सुलझाएं, कैसे सब लोग एक साथ रहें, खुशी खुशी रहें, किसको ये ना लगे कि यार मैं यहाँ की पैदा हो गया, वहाँ की पैदा हो गया। आई ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में आई थी कि नथिंग इज़ बेटर, नथिंग इज़ बैड,
एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब डिफरेंट है, कुछ बढ़िया है कुछ बेकार नहीं है, सब डिफरेंट है। तो जिसकी भी ऐसी सोच है जो जाति के दम पे किसी की रिस्पेक्ट करता है किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको अपनी थिंकिंग बदलनी चाहिए। ये लोगों के लिए बहुत गलत है। अगर आप उस घर में पैदा हुआ हो तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव करता हो तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता डेफिनेटली, मुझे पता है नहीं लगता, मुझे तो ना लगता और आपको भी ना लगता। सो आई लाइक दिस ट्रेलर, आई एंजॉयड दिस ट्रेलर एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी टू गेट रिलीज, जिससे मैं देखने जाऊँ और आप लोग भी ये मूवी देखना अगर आपको मन कर रहा है ट्रेलर देख के। सो आई गिव थम्स अप टू दिस ट्रेलर, आई गिव थम्स अप टू दिस आइडिया जो इस आइडिया पे मूवी बन रही है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक मी रिएक्टिंग टू दिस ट्रेलर, प्लीज गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिलीज। बाकी मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगा, सो विल मीट अगेन सून। तो तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, डू समथिंग प्रोडक्टिव।